म्यूजिक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन दर्शिका की माँ जानकी घर की सारी बिस्तर चादर और कपड़े धोकर सुखाने के लिए डाल देती है, जिसके कुछ ही देर में दर्शिका आकर अपनी माँ से बोलती है, माँ सुनो, आज बहुत तेज बारिश होने वाली है, तुम जाकर सारे कपड़े ध्यान से उतार लेना। अरे तू बड़ी मौसम वैज्ञानिक हो रही है, इतनी कड़ी धूप में भला बारिश कहाँ से आएगी, जा जाकर अपने काम कर, माँ को आई सिखाने के लिए। जानकी दर्शिका की कही बातों पर ध्यान नहीं देती और जाकर सो जाती है। कुछ ही देर में आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और जानकी के धोए सारे कपड़े बारिश में भीग जाते हैं। जब जानकी सो कर उठती है तो खिड़की से देखती है कि सच में बारिश हुई थी और वो बोलती है, हाय हाय, इतनी मेहनत से सारे पर्दे चद्दर धोई थी और बारिश में भीग गए, काश मैंने दर्शिका की बात मान ली होती। जानकी की तरह आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर दर्शिका को कैसे पता चला कि बारिश होने वाली है। दर्शिका सोनपुर नाम के गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। 15 साल की उम्र से ही उसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की असाधारण शक्तियाँ थी, पर उसके आस पड़ोस के सब लोग उसकी इस शक्ति से अनजान थे। एक दिन पड़ोस के गांव से उसके लिए दीपक नाम के लड़के का रिश्ता आता है और उसकी माँ जयंती बोलती है, देखिए बहन जी, मेरा दीपक MA पास है और शहर के कॉलेज में मास्टर की नौकरी करता है, इसलिए मुझे उसके लिए एक समझदार और गुणवान लड़की चाहिए। हाँ हाँ बहन जी, हमारी दर्शिका में सारे गुण है, जिस घर जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। जिसके बाद दर्शिका और दीपक भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। सब आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और जैसे ही वो लोग वापस जाने लगते हैं, तभी दर्शिका को दिखाई देता है कि जिस रास्ते से वो लोग जाने वाले हैं, वहाँ एक बहुत बड़े ट्रक पलटने से दीपक और जयंती घायल हो जाते हैं, जिसके बाद दर्शिका बोलती है, देखिए आप लोग जिस रास्ते से आए थे ना, उस रास्ते से मत जाइएगा, वहाँ पर आपको बहुत ट्रैफिक मिलेगा, आप जंगल वाले रास्ते से चले जाना। दर्शिका की बात मानते हुए वो लोग अपनी कार में बैठकर जंगल के रास्ते से अपने घर जाते हैं, जिसके बाद जयंती और दीपक TV में देखते हैं कि जिस रास्ते से वो लोग आने वाले थे, वहाँ एक ट्रक पलटने के कारण बहुत बड़ा हादसा हो गया था। ये खबर देखकर दीपक बोलता है, अच्छा हुआ माँ कि हमने दर्शिका की बात मान ली, वरना आज तो पता नहीं हमारा क्या होता। हाँ सही कह रहा है तू बेटा, इसका मतलब ये लड़की हमारे घर के लिए बहुत शुभ है। जिसके कुछ दिन बाद ही दर्शिका और दीपक शादी के बंधन में बंध जाते हैं और ससुराल में दर्शिका अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन वो किचन में रोटियां बना रही होती है, तभी वो देखती है कि हॉल में उसकी सास को TV की तार से करंट लग रहा है। तभी वो भागते हुए हॉल में जाती है और अपनी सास को TV ऑन करने जाता देखकर जल्दी से उसे धक्का देती है, जिस पर जयंती बोलती है, अरे ओ बहू, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना, कितनी जोर से धक्का दिया तूने मुझे, लग जाती तो। माँ जी शायद आपने देखा नहीं कि TV का तार बीच में से टूटा हुआ था, अगर आप उसे छूती तो आपको करंट लग सकता था ना। हाय राम, बहू अगर आज तू मुझे धक्का नहीं मारती तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाता। जब तक मैं आपके पास हूँ आपको कुछ नहीं होगा। इतना बोलकर दर्शिका किचन में चली जाती है और उसकी सास सोचते हुए खुद से बोलती है, पर बहू तो किचन में थी, फिर उसे कैसे पता लगा कि मैं टीवी ऑन करने वाली हूँ। इस घटना के बाद जयंती को दर्शिका पर थोड़ा शक तो होता है, पर वो इस बात पर ध्यान नहीं देती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन वो अपनी सास के साथ बाजार जाती है, जहाँ उन्हें उनके पड़ोस में रहने वाली रीना आंटी मिलती है और बोलती है, जयंती क्या बात है, आज बहू के साथ खरीदारी करने निकली है। हाँ मैंने सोचा अभी बहू नई नई आई है तो इसे कहीं बाहर घुमा ले चलती हूँ, सो इसे अपने साथ बाजार ले आई। दोनों आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि तभी दर्शिका को दिखता है कि रीना आंटी एक केले के छिलके पर फिसल कर गिर जाती है, जिससे उनके पैरों में गहरी चोट आती है। ये सब देखकर दर्शिका सोचने लगती है
कि वो रीना को जाने से कैसे रोके, जिसके बाद वो बोलती है, आंटी जी मैंने माजी से सुना है कि साड़ियों के मामले में आपका कोई जवाब नहीं है, आपकी पसंद मोहल्ले में सबसे अच्छी है, क्या आज आप मेरी मदद करेंगी साड़ियाँ खरीदने में? हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये काम तो मैं बड़े चाव से दिन भर कर सकती हूँ। इतने में ही वो तीनों देखती हैं कि एक आदमी सड़क पर पड़े केले के छिलके पर फिसलने के कारण जोर से गिर पड़ता है, जिसे देखकर रीना बोलती है, अरे जयंती अगर तेरी बहू ने मुझे रोका ना होता तो शायद उस आदमी की जगह मैं सड़क पर दर्द से चिल्ला रही होती, अच्छा है मैं थोड़ी देर और यहाँ रुक गई। रीना को ऐसा बोलते देख दर्शिका धीरे से मुस्कुराने लगती है, तभी जयंती उसकी तरफ शक भरी निगाहों से देखने लगती है और कुछ देर बाद दोनों बाजार से घर आती हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और एक सुबह दीपक दर्शिका से बोलता है, दर्शिका कहाँ हो तुम, जल्दी से मेरा लंच दे दो, मुझे लेट हो रहा है। जी बस ला रही हूँ। जिसके बाद वो उसे लंच दे देती है, तभी वो देखती है कि आज दीपक को उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के कारण प्रमोशन मिलने वाली है, इस कारण वो बहुत खुश होती है और रात को खाने में अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। थोड़ी देर बाद दीपक घर आता है और जयंती के हाथ में मिठाई का डब्बा देता है, जिसके बाद जयंती पूछती है, क्या बात है बेटा दीपक, ये मिठाई तू किस खुशी में लाया है? माँ मैं आपको बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ, आज मेरा प्रमोशन हो गया है जिसके कारण मेरी सैलरी भी बढ़ गई है। सच में बेटा ये तो भगवान की कृपा है बस। जिसके बाद सब खाने के लिए बैठते हैं और खाने में इतने अच्छे पकवान देखकर दीपक बोलता है, वाह दर्शिका तुमने तो खाने में आज कितना कुछ बनाया है, वो भी इतना अच्छा, ऐसा लगता है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि मेरा प्रमोशन होने वाला है। अरे भला ऐसा कैसे हो सकता है, आप भी ना कुछ भी सोचते हैं, वो तो बस आज मेरा मूड अच्छा था तो मैंने ये सारी चीजें बना दी। कुछ तो जरूर है जो बहू मुझसे छुपा रही है, वरना आज अचानक ये इतना बढ़िया पकवान क्यों बनाती, और आज ये पूरा दिन खुशी से चहक रही थी, मुझे पता लगाना ही होगा आखिर बात क्या है। जिसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन जयंती किचन में एक कांच का ग्लास तोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठी दर्शिका को अचानक दिखता है कि उसकी सास के पैर में कांच चुभ जाने से उसके पैर से बहुत खून बह रहा है, और कुछ देर में ही जयंती वापस से किचन में जाने लगती है कि तभी दर्शिका उसके पास आकर उसे पीछे खींच लेती है और उसके पैर में ही वो कांच लग जाता है, जिसके बाद दीपक भी वहाँ आता है और जयंती बोलती है, बहू ये तूने क्या किया, कितना खून निकल रहा है तेरे पैरों से। कोई बात नहीं माँ जी, अच्छी बात तो ये है कि आपको कुछ नहीं हुआ। पर तुम्हें ये चोट कैसे लगी? बहू मुझे सच सच बता, तुझे पता था ना पहले से कि मुझे इस कांच से चोट लगने वाली है? हाँ माँ जी ये सच बात है कि मुझे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही पता चल जाता है, मैंने आज तक आपसे ये बात छुपाए रखी, मुझे माफ कर दीजिए। पर बहू मुझे पहले ही बता देती तो आज मेरी वजह से तुझे इतनी चोट नहीं लगती, मुझे माफ कर दे बहू। अरे माँ जी माफी मत मांगिए। दर्शिका के सब कुछ बताने के बाद दीपक उसे अपनी गोद में उठाकर हॉल में ले जाता है और उसकी चोट पर पट्टी बांध देता है, और दर्शिका अपने पूर्णाभास की शक्ति से हमेशा अपने आसपास के लोगों की मदद किया करती। मुस्कान बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी जो घर का सारा काम अच्छे से ही संभाल लिया करती थी। मुस्कान के चेहरे पर बहुत सारे अनचाहे दिल थे, जिस वजह से बाकी दूसरों के अकॉर्डिंग उसे अपना चेहरा कुछ खास अच्छा नहीं लगता था, जिसके चलते वो जब भी कभी बाहर जाती तो अपने फेस को स्टॉल से कवर कर लिया करती। उसके परिवार में उसकी मम्मी सरिता और पापा राम प्रकाश रहते थे। ऐसे ही एक बार उसकी मम्मी रसोई में काम करते वक्त अचानक बेहोश हो जाती है। मुस्कान और राम प्रकाश सरिता को ऐसी हालत में देखकर बहुत घबरा जाते हैं। भाग्यवान आंखें खोलो, क्या हुआ? मुस्कान बेटा तू अपनी माँ के साथ रह, मैं डॉक्टर का कॉल करता हूँ। नहीं पापा आप यहाँ रुकिए मम्मी के साथ, मैं अभी कॉल करती हूँ डॉक्टर को। मुस्कान जल्दी से मदद के लिए डॉक्टर को फोन करती है पर उनका फोन नहीं लगता, जिसके बाद वो अपना पूरा चेहरा कवर करती है
और खुद ही क्लिनिक से उन्हें बुलाने के लिए जल्दी से अपने घर से निकल जाती है। वो भागी भागी जा ही रही होती है कि रास्ते में एक लड़का उसे छेड़ते हुए बोलता है, अरे यो हुस्न परी, ये मुंह छिपा कर कहां जा रही हो? इतनी जल्दी में क्यों हो मेरी रानी? तेरी कातिल जवानी, आजा मेरी बाहों में, उठाकर छोड़ आऊं। कहां जाना है जरा बोल तो सही। मुस्कान को उस आवारा लड़के की बात सुनकर बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उस बदतमीज लड़के के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। जवाब चाहिए था ना तुमको, वो तो अब मिल गया, या और दू जवाब तुम्हें कान के नीचे लगा के? वो लड़का डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और मुस्कान डॉक्टर के क्लिनिक पहुँचती है और उन्हें जल्दी से अपने साथ लेकर घर जाती है। डॉक्टर साहब, जल्दी से चेक कीजिए ना, मेरी पत्नी को क्या हुआ? चेकअप करने के बाद डॉक्टर बोलते हैं, शायद इन्होंने खाना ठीक से नहीं खाया, इसी वजह से ये बेहोश हो गई। आप डरिए मत, शी इज फाइन। ये कुछ ताकत की दवाइयां हैं, इन्हें खिला देना। ऐसे ही एक दिन मुस्कान मार्केट से फ्रूट्स लेने जाती है। वो फ्रूट्स ले ही रही होती है कि युवराज नाम के एक लड़के से उसकी टक्कर हो जाती है और वो उसकी बाहों में गिर जाती है, जिस वजह से उसका स्टॉल उसके चेहरे पर से नीचे गिर जाता है और वो लड़का मुस्कान को देखकर बहक जाता है। मुस्कान जल्दी से उसके पास से हटती है और अपना स्टॉल उठाकर फिर से अपना चेहरा ढक लेती है। हे, एक्सक्यूज मी, आपको लगी तो नहीं? जी नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक्स। आपने फिर से कवर क्यों कर लिया फेस को? इतने खूबसूरत चेहरे को इस कपड़े से क्यों ढका है भला? एक्सक्यूज मी, मतलब क्या है आपका? अरे मेरा मतलब, आप इतनी सुंदर लग रही हो तो ये स्टॉल रहने दीजिए ना। थैंक्स, बट मेरे फेस पे बहुत सारे तिल हैं, इसीलिए हमेशा से मैं ऐसी ही रहती हूँ। ओह रियली? लेकिन आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगी, आप बहुत सुंदर लगती हो तिल के साथ। रहने दीजिए, कहीं आपकी तारीफ की वजह से मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सुंदर ना समझने लग जाऊं। अच्छा जी, बाय द वे, हम यहाँ बात ना करके कॉफी शॉप चलें? ओके ओके, चलते हैं। आप दोनों कॉफी शॉप जाते हैं और बातों ही बातों में दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों अपना अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। अब वो दोनों रोज अब मैसेजेस में घंटों बातें किया करते। धीरे धीरे उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और युवराज उसे प्रपोज करने के लिए लॉन्च में बुलाता है, साथ ही अपने घुटनों के बल बैठकर अपने प्यार का इजहार करता है। आई लव यू मुस्कान, थैंक्स फॉर कमिंग इन माई लाइफ। हाँ, आई लव यू टू युवराज। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं करूँगी मैं तुमसे शादी। दोनों अपने इस फैसले के बारे में अपने अपने घर वालों को बता देते हैं और दोनों के घर वाले आपस में बातचीत करके इस रिश्ते के लिए मंजूरी दे देते हैं, जिसके बाद मुस्कान और युवराज शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं और एक अच्छी और गुणी बहू की तरह मुस्कान अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से उठाती है। इसे देखकर उसकी सास अर्चना उससे बहुत खुश होती है। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, मेरे लिए कुछ खाने में चटपटा बना कर ले आ, मेरा बहुत मन कर रहा है। जी माँ जी, अभी लाई। मुस्कान रसोई में जाकर जल्दी से अपनी सास के लिए गरम गरम समोसे और हरी चटनी बनाती है और गर्मा गर्म अपनी सास के सामने सर्व कर देती है। अरे वाह बहू, तू तो बड़ी जल्दी ये सब कुछ बनाकर ले आई और बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं, मजा ही आ गया, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया आज। शुक्रिया माँ जी। इतना कहकर वो वापस अपने काम में लग जाती है। समय गुजरता जाता है। ऐसे ही एक दिन अर्चना की दो सहेलियां कविता और रीना उससे मिलने अचानक ही बिना बताए उनके घर आ जाती है और उन्हें देखकर वो कहती है, अरे तुम दोनों यहाँ, वो भी बिना बताए, कैसे? क्यों, हम कौन आ सकते के? सारी आन तू बिन बताए आया करे है, इस बारी हम भी आगे। अजीब, बिल्कुल सही पकड़े हैं।
अरे ओ कविता, ये बिल्कुल नहीं बदली, 10 सालों से अभी तक ऐसी ही है। अरे अर्चना, यह है कि तेरी बहू जिसके चेहरे पे काजल जी से इतनी सारी बिंदी लाग रही है। हाय राम, तेरे तो भाग्य फूट गए। अरे बस बहुत हुआ, मेरी बहू के बारे में एक शब्द बोला ना तो फिर अच्छा नहीं होगा, देख लेना तुम दोनों। अर्चना की सहेलियों की ऐसी बातें सुनकर वो रोते रोते वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अर्चना अपनी सहेलियों से कहती है, अरे मेरी बहू हीरा है हीरा, एक टांग पर पूरे घर का काम करती है, जो बोलू तुरंत हो जाता है, मेरे पांव दबाती है, मेरे घर को अच्छे से संभालती है, बस उसके मुंह पर 3-4 भगवान ने तिल क्या दे दिए तो उसे बुरा बोलेगी क्या। अब तुम दोनों सराफत से मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें धक्के देकर निकालना पड़ेगा, समझी। इतना सुनकर वो दोनों गुस्से से तिलमिलाती हुई वहाँ से चली जाती है। अर्चना अपनी बहू के पास जाकर उसे समझाती है, अरे मेरी लाडली बहू, मेरी उन नालायक सहेलियों की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, बस तू रोना बंद कर दे। नहीं नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए, आपने थोड़ी ना कुछ कहा है, मुझे मेरे चेहरे पे भगवान ने इतने सारे तिल दिए हैं, जो कि वो भी देखते हैं, और सब लोग तिल ही तो देखते हैं, मेरे गुण कोई नहीं देखता। मुझे पता है कि मेरी बहू कितनी काबिल है, कितनी संस्कारी, कितनी गुणी है, और तू बहुत ही खूबसूरत है, और मैं बहुत भाग्यशाली जो मुझे तेरी जैसी बहू मिली है, और अब तू कभी भी नहीं रोएगी, समझ गई ना। जी ठीक है, आप जैसा कहो। अर्चना की बातें सुनकर मुस्कान को ये समझ आ जाता है कि कभी भी खुद को कम नहीं समझना चाहिए। अब मुस्कान खुलकर अपने आप को स्वीकार करती है और सभी के साथ मिलकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।